Thank you.
और तीसरा जनवरी सबको इकट्ठा करके पेश किया जा रहा है। ये बहुत ही खुशाय कदम है। हजार सामीन मुझे इस बात की लफ्जिश हो रही है कि मैं किताब करूं तो यहाँ असातिज़ा भी मौजूद हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है और बच्चियाँ भी मौजूद हैं। ध्यान से इस बात का एहतियात करते हुए कि आप दर्स व तदरीस के महकमे से वाबस्ता हैं, आपके सामने और ज़्यादा बोलना लफ्ज़कुशाई है। मुझे इतनी काबिलियत नहीं कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। जो भी बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने ज़रीन ख्यालात से रोशना कराने के लिए। आइए अब वज़ीफ़ा या असातिज़ा इकराम का एज़ाज़ इकराम है। मैं उन शख्सियात के नाम लेना चाहूँगी, मोहतरमा सलीमा हसन लालवन, मोहतरमा सलीमा हसन लालवन मैडम। बहुत बहुत बेहतरीन और तमाम को जो है मैं जोरदार तालियों के लिए तारीफ करती हूँ। जोर से तालियां हो गए। अल्लाह ताला इन आने वाले तरीके को कामयाब और कामयाबी से नवाज दे। कोशिश से ही इंसान बना देता है तकदीर, कोशिश से ही इंसान बना देता है तकदीर, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी मुखलिस रजामंदी से मैं आपके जश्न में शामिल हुआ हूं। अदबी सहाफत से मुअत्तर आज की यह रंगीन सहपहल है और इससे इस महक से माहौल में फरहत बिखेरती आज की यह रंग फिजा अपने आप में उन नादिर हस्तियों की यादें समेटे हुए है जिनके खराज अकीदत के लिए हम सब यहां जमा हुए हैं। आलमी यौम उर्दू अल्लामा इकबाल मरहूम अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश एक ऐसी शख्सियत जिसका उर्दू अदब से बहुत ही गहरा रिश्ता है। मर्द मुजाहिद मोहब्बत वतन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का पैदाइश दिन 10 नवंबर तो ये 10 नवंबर कौमी यौम तालीम साबिक वजीर तालीम वो साइंसी तहकी के शोबा मरहूम अबुल कलाम आजाद का पैदाइश दिन 11 नवंबर। जाहिर है आज का ये जश्न एक खास अहमियत का हामिल है। आज की इस महफिल में एक और स्टूडेंट हमारी जो दीनी तालीम में 92% लेकर बेहतरीन मार्क्स हासिल किए हैं,
कहते हैं कि आज जो है आलमी योम उर्दू है, सबसे पहले मैं आप तमाम को आज की इस खूबसूरत दिन की, खूबसूरत इस शाम की जो है मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा। तमाम उर्दू के चाहने वालों को, भले वो किसी मजहब व मिलत से रहा हो, उर्दू जो है हर दौर में हर किसी की रही है, हमदर्द रही है और शाना बशाना हर कौम के साथ चली है। उर्दू जो है वो जबान है जिसने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आज़ादी में सिर्फ एक नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद और अंग्रेज़ों के अवसान खत्म कर दिए। तो इस जबान के बारे में जितना कहा जाए, जितना सुना जाए बहुत कम है। तो सबसे पहले मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम उर्दू के तलबा और तालिबान। अभी तालियां बजाने के पीछे भी एक मकसद यह था कि आप लोगों को जो है अपनी तरफ तैयब कर सकूँ, कुछ जो है इधर उधर हो गए थे। बहुत गुजर चुका है, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि सारा जो है हिस्ट्री, उर्दू की हिस्ट्री, तारीख, मुसलमानों की तारीख, इस्लाम की तारीख, सब हमारे खलील अहमद साहब ने पूरी तफसील बयान कर दी। हालांकि आज उर्दू का मामला है, सिर्फ उर्दू के हम तक हमको बात करना, उर्दू जबान कहाँ से पैदा हुई, कहाँ परवान चढ़ी, कहाँ बुढ़ापा पाया, कहाँ खत्म तो नहीं हुई, बुढ़ापा तो पाया। कहते हैं बीजापुर से उर्दू जबान निकली, बचपना वहाँ गुजारा दिल्ली में, जवानी गुजारी लखनऊ में, बुढ़ापा गुजारा हैदराबाद में। अब हाव हम बोलते हैं, हाव कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन शाइस्ते की अगर देखेंगे तो लखनऊ में मिलती है। तो उर्दू जबान जो है हमारे पुरखों की जुबान है, हमारा उर्दू जुबान में हमारा पूरा दीन का असासा है। अगर हम उर्दू नहीं पढ़े तो हमारे असलाफ नहीं पहचान सकेंगे, हम दीन से दूर हो जाएंगे। यही तर्ज को लेकर अल्लामा इकबाल जो है पहले पर्शियन के शायर थे, बाद में उर्दू के शायर बने। पहले आप पर्शियन के शायर थे, क्योंकि जैसा कि देखिए आप, बनी नूर इंसान के लिए सारी चीज़ें होती हैं, सारी कैनात में काम होता रहता है, हर कौम अपने अपने गांव पर काम करती है। साइन क्लब ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी टीचर्स ग्रुप बलगाम, इनकी जानिब से यहाँ पर अजीम शान जलसा मुनक्कद किया गया था। आम हमारे बलगाम से भी गए मीर मुदर्रिस और मोइन मौलाना और हमारे इत्तेहाद न्यूज़ के रिपोर्टर अली जनाब इकबाल चकाती साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ बच्चों के वालिदैन और सरपंच जो भी यहाँ पे आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।